दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका अक्षर गंगा चैनल में और मैं हूं उमेश आचार्य। आपको इस चैनल के माध्यम से साहित्य के और व्याकरण के भिन्न भिन्न अर्थ वाले आपको वीडियोस प्राप्त हो रहे होंगे, आपको लाभ इसका ज़रूर मिल रहा होगा। आइए आज हम आपको ले चलते हैं यूपी बोर्ड की कक्षा 12 में जो एक पाठ है प्रेप्रवास महाकाव्य से लिया गया है पवन धूति का शीर्षक के माध्यम से। तो जो हरिओत जी ने लिखा है और राधा जी और श्री कृष्ण के वियोग को दर्शाया है, आज उसी क्रम में हम आपको आगे बढ़ाते हैं। इससे पहले आपको इसी से संबंधित अनेक पद छंद जो है वो प्राप्त हो चुके होंगे, आपने जरूर वीडियो देखा होगा। यदि नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर जाकर के और उसको जरूर देखें। आइए देखते हैं। तो पहले पढ़ लेते हैं, कैसे पढ़ते हैं। मंदाक्रांता छंद है पूरे प्रवास में और उसी तरह से आपको पढ़ना है। देखिए, जाते जाते पहुंच मथुरा धाम में उत्सुका हो, न्यारी शोभा वर नगर की देखना मुग्ध हो ना। तुह वेगी चकित लख के मेरु से मंदिरों को, आभावाले कलस जिन के दूसरे अर्क से हैं। इस तरह से सभी छंद आपको पढ़ना है। तो देखिए, प्रवास में हरिओत जी लिखते हैं, राधा जी कह रही हैं कि हवा से कि देखो जाते जाते, यहाँ पर पुनरुक्त प्रकाश से कहा जाते जाते, माने जब जा ही रही होगी रास्ते में, तो और जब जा करके मथुरा धाम पहुंचोगी। मथुरा धाम कुछ धाम है, स्थान वैसे तो सामान्य रूप से धाम स्थान एक ही पर्याय है, और जब वहां पहुंचोगी तो उत्सुक होके तुम देखोगी। उत्सुक, उत्सुक का मतलब होता है जब जान कुछ मन के अंदर अपने आप प्रकट हो रहा हो, हमारी इच्छा हो रही हो, तो कोई बेमन से जाए तो उतना अच्छा नहीं लगेगा, मजा नहीं आएगा। लेकिन जब जाओगी और उत्सुक होके देखोगी तो क्या होगा कि न्यारी शोभा वर नगर की, वर माने श्रेष्ठ, वर माने अच्छा, वरिष्ठ है, तो वर माने सुंदर, कुछ भी यहाँ पर श्रेष्ठ नगर की, मथुरा जो नगर है वो बड़ा श्रेष्ठ सुंदर नगर है, उसकी न्यारी शोभा को तुम देखोगे। तो न्यारी माने अनोखी, वैसी दूसरी जगह नहीं मिलेगा वैसा। देखना और मुग्ध होना उस पर मोहित हो जाना, उसकी उसकी सुंदरता को देख करके उसी में खो जाना, ये है मुग्ध होने का तात्पर्य, उसी में खो जाना। तो तू होवेगी चकित, जब तुम उसमें खो जाओगी उसकी सुंदरता में, तो आश्चर्यचकित हो जाएगी। क्यों, क्या क्यों आश्चर्यचकित? तो आश्चर्यचकित का आदमी तभी होता है या व्यक्ति तभी होता है जो कुछ ऐसा आश्चर्य वाला देखता है। तो क्या देखोगी? तो लिखा है लख के, लख माने देखना, लख माने देखना। देखोगी कि मेरु से मंदिरों को तुम देखोगे। मेरु, सुमेरु पर्वत को ही मेरु लिखा है, तो सुमेरु पर्वत बहुत ऊंचे पर्वत में से एक है। तो कहा और वहां पर जो मंदिर होंगे वहां सुमेरु पर्वत जैसे ऊंचे होंगे, सुमेरु पर्वत जैसे ऊंचे ऊंचे मंदिर होंगे, और उनको देखेगी तो आश्चर्यचकित हो जाएगी, क्योंकि दूसरी जगह इतने ऊंचे मंदिर आपको नहीं मिलने वाले। और उन मंदिरों के ऊपर आगे लिखा है आभा वाले कलश, आभा वाले प्रकाश, आभा कलश, ऐसे कलश चमचमाते हुए कलश,
आभा वाले, आभा बिखेरने वाले, प्रकाश बिखेरने वाले, ऐसे कलश भी उनके ऊपर विराजमान होंगे जो दूसरे अर्क से हैं। अर्क सूर्य का पर्यायवाची है, अर्क तो अर्क माने सूर्य होता है। ऐसा दिखाई पड़ेगा जिसे सूर्य चमक रहा हो आकाश में, वैसे ही मंदिरों के ऊपर वो सुंदर सुंदर कलश का प्रकाश, कलश चमक रहे होंगे। यानी कलश कैसे दिखाई पड़ रहे होंगे, दूसरे सूर्य के समक्ष समान। तो आप देखो अर्क से हैं, यहां पर आप देखेंगे अलंकार की दृष्टि से तो दूसरे सूर्य के से तुलना कर दी मंदिरों के कलश की। तो मंदिरों के कलश दिखाए रहे दूसरे अर्क से, दूसरे सूर्य से, तो यहां उपमा अलंकार को बताया। और उपमा अलंकार है जाते जाते, ये जो है यहां पर पुनरुक्त प्रकाश है, तो दो अलंकार आपको मिल रहे हैं। शेष आप मंदाक्रांता छंद सब जगह पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। भाषा की दृष्टि से खड़ी बोली में ये पूरा काव्य लिखा ही गया है, और जो छंद है वो मंदाक्रांता है, मैंने आपको बताया है। प्रसाद गुण से ओतप्रोत है, अविदा शक्ति है, हर जगह अविदा शक्ति है। और इसके आगे जब आप बढ़ेंगे तो देखना कि यदि वहां पूजा का समय हो, अब भाई मंदिर जाएंगे तो मंदिर में ऐसा भी समय हो सकता है सुबह शाम का कि पूजा हो रही वहां भगवान कृष्ण की, क्योंकि भगवान कृष्ण के मंदिरों में भगवान कृष्ण की पूजा भी होती है। तो देखे पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना, तो लिखा है कि देखे पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना। तब करना क्या, मंदिरों के बीच में जाएंगे तो कोई काम तो करेंगे। अब मंदिर जाएंगे तो हम सब क्या करते हैं, मंदिर जाते हैं तो मंदिरों में तो कोई घंटी बजाता है, कोई ताली बजाता है, हैं, कोई गाता है, आरती गाता है, तो कोई सिर हिलाता है, कोई नाचने लगता है, तो सब लोग उसमें व्यस्त हो जाते हैं, तभी अच्छा भी लगता है। तो मंदिरों के मध्य में जाकर के पूजा का समय देखना तो नाना वाद्यों मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना। जितने प्रकार के वहां वाद्य यंत्र बज रहे होंगे, बाजे बज रहे होंगे, वैसे तो बाजे मधुर लगते ही हैं, तो नाना वाद्यों मधुर स्वर की, मधुर मधुर स्वर में बजने वाले जितने बाजे होंगे उनकी मुग्धता को बढ़ा देना। मुग्धता माने सुंदरता, उसके अंदर जो और ध्वनि की सुंदरता है और बढ़ाना। क्यों ऐसा कहा, क्योंकि होता यह है जो लोग वाद्य यंत्रों के विषय में जानते हैं, नहीं तो आप समझ लीजिए कि वाद्य यंत्र अगर कुछ ऐसे बज रहे हैं उनमें अगर हवा अनुकूल चल जाती है तो वाद्य यंत्र और बजने लगते हैं। अब आप ऐसे जान लीजिए कि मान लो ढोलक ही बज रही हो, तो ढोलक बज रही हो और बरसात का समय हो तो ढोलक की जो खाल है वो ठंडी पड़ जाएगी, तो बढ़िया स्वर के बजाय वो अजीब सा स्वर उससे निकलेगा। ऐसे ही बांसुरी बज रही हो और बहुत तेज हवा चल रही हो तो तेज हवा में बांसुरी बजेगी नहीं। ऐसे जितने भी वाद्य यंत्र बजते हैं उसमें स्वरों का कमाल होता है और स्वर हवा के माध्यम से ही सुंदर लगने लगते हैं, क्योंकि बिना वायु के ध्वनि नहीं निकल सकती है। भाई ध्वनि का तात्पर्य, ध्वनि निकलेगी कैसे, ध्वनि में वायु का जो रोल होता है, भूमिका उसकी होती है, बहुत प्रमुख होती है। इसलिए कहा विभिन्न वाद्यों की मधुरता को खूब बढ़ाना, खुद मधुर स्वर है उनका और अधिक बढ़ा देना। अब आगे लिखते हैं कि किम वा लेके रुचिर तरुके, दूसरा एक और उपाय बताती हैं राधा जी कि देखो ये तो करना ही करना, अथवा अगर मान लीजिए ये मौका ना मिले, हैं वहां बाद अब पता चले ये वाद्य यंत्र ना बज रहे हो तब क्या करोगी, तो तुम ही उसमें कुछ और कुछ कर उसके साथ जोड़ देना। क्या जोड़ना,
कक्किम वाले के रुचिर तरु के शब्दकारी फलों को, अथवा किम वा अन्यथा अथवा अथवा ऐसा कोई सुंदर सा पेड़ देखना, रुचिर तरु, रुचिर माने सुंदर, और कैसा तरु कैसा पेड़ जो जिसमें फल लगे हों और वो फल बजते हों। किसी किसी पेड़ के जो फल होते हैं वो जब सूख जाते हैं तो वो क्या करते हैं, वो ऐसे अगर हिलाइए तो वो बजने लगते हैं। देखा होगा सहजन है, सेमल है, कुछ ऐसे फलियां लगी रहती लटकती रहती हैं, वो जब ऐसे हिलती हैं तो उनसे एक आवाज जैसी निकलती है। तो कहा उन शब्दकारी फल वाले, शब्द यानी आवाज करने वाले फल हों, ऐसे पेड़, ऐसे पेड़, ऐसे सुंदर पेड़ों को लेकर के, सुंदर पेड़ों के फलों को लेकर के तुम क्या करना, धीरे 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 मधुर रस, ऐसा ना हो कि मार जोर जोर से बजा दे ना। देखा होगा बाजे बजते हैं तो किसी में छोटे छोटे ऐसे हाथ में पकड़ने वाले बैंड बाजा देखा होगा आपने, और वो बैंड बाजा बजते होंगे तो किसी के हाथ में झांझ रहती है, तो धीरे धीरे धीरे। अब ऐसा नहीं होता कि झांझ ही है तो झांझ ही बजती रहे, ऐसा नहीं, सारे वाद्य यंत्र बजते हैं, उसके बीच में झांझ बजती है, कहीं मजीरा बजता है, कहीं कुछ बजता है, मतलब थोड़ा सा उसके साथ मिला मिला के बजाया जाता है, एक सुंदर आवाज निकाली जाती है। मधुर रव, मधुर माने बड़ी मीठी मीठी, और रव माने आवाज, देखिएगा ये शब्द है रव, रव माने आवाज। तो धीरे धीरे मधुर आवाज से और मुग्ध हो बजाना, खूब खूब प्रसन्न हो करके, खूब मुग्ध जैसे झूम के बजाना, यानी मुग्ध होकर, मतलब क्या, देखिए अब जो लोग बाजी यंत्र बजाते हैं तो खूब सिर हिलाते हैं, खूब जो है बढ़िया गर्दन हिलाते हैं, तो मतलब मौज में जब होते हैं, कोई मजे में होते हैं तो खूब बजाते हैं। तो वही बात यहाँ प्रस्तुत की है कि खूब मुग्ध हो करके, खूब झूम करके बजाना। तो इस तरह से वहां के मंदिरों की जो बात है, मंदिरों में जो पूजा अर्चना होती है उस समय वाद्य यंत्र बज रहे हो, उसका दृश्य प्रस्तुत हुआ। यहां पर भी देखेंगे कि धीरे धीरे शब्द आया है, यहां पर भी आपको मिल जाएगा पुनरुक्त प्रकाश से सभी पहले जैसा है। उसके आगे बढ़ेंगे, तू देखेगी जलद तन को जावही तद्गता हो, तो तुम जब जाएगी तो मथुरा के अंदर मंदिरों में जलद तन वाले कौन है, तो जलद माने आपको पहले ही बताया जा चुका है, जलद माने होता है बादल, जलद माने बादल, और बादलों की तरह है जिनका तन, बादलों की तरह जिनका तन है जलद तन वाले। तो इसलिए ऐसे भगवान कृष्ण का जो शरीर है वो बादलों के समान है। तो और जा वहीं तक, जब तू उसमें मिल जाएगी, अब देखिए बड़ी मजेदार बात है और बड़ी गूढ़ भी बात, अगर आप देखेंगे आपको पता होना चाहिए कि जो बादल होता है उस बादल में क्या क्या होता है। तो कालिदास ने लिखा है, धूम ज्योति सलिल मरुताम सन्निपाता क्वमेघा, मंदाक्रांता छंद में लिखा, उसी मेघ दूत के आधार पर ही ये पवन दूतिका भी लिखा गया, इसलिए उसमें लिखा है धूम ज्योति सलिल मरुताम सन्निपाता क्वमेघा। मेघ में कौन कौन सी चीजें हैं, धूम धुआं, ज्योति प्रकाश, सलिल पानी, अमृत माने हवा, तो जो हवा है उसके अंदर ही है। तो तुम जाओगी जलद तन वाले, ऐसे बादल है उस बादल के समान शरीर वाले, ऐसे भगवान कृष्ण के शरीर में जाकर तल्लीन हो जाना,
उसी में मिल जाना, मिल जाओगी तो फिर बड़ा मजा आएगा। भाई उसी का पार्ट हो ना, जब किसी चीज का पार्ट हो उसमें मिल जाता है तो उसको आनंद तो आना स्वाभाविक सी बात है। तो तुमको कैसा लगेगा, एहसास कैसा होगा, अनुभव कैसा होगा? देखिए लिखा होगा, लिखा है, होंगे लोने नयन उनके, तो देख जाएंगे, जाओगी तो देखेंगे लोने नयन होंगे। बड़े सुंदर, लोने माने सुंदर, लोने नयन होंगे, नेत्र उनके कैसे होंगे, बड़े सुंदर नेत्र होंगे, और उन नेत्रों से प्रकाश निकल रहा होगा, ज्योति उत्कीर्णकारी, यानी उत्कीर्ण प्रकाश का उत्कीर्णन हो, प्रकीर्णन हो रहा, यानी प्रकाश फैल, जैसे होता है एक प्रकाश होता है, लेकिन उनसे प्रकाश ऐसे निकल पड़ रहा हो, जैसे कहीं से एक जगह से फूट पड़ा हो, उत्कीर्ण हो रहा हो, यानी उकेरा गया हो, तो प्रकाश उकेरा गया हो, यहाँ प्रकाश फूट पड़ा हो, ऐसे ऐसे प्रकाश प्रकट करने वाले सुंदर नेत्र भी तुमको दिखाई देंगे। और क्या होगा, वो कैसे होंगे उस समय बैठे हुए, तो लिखा है, मुद्रा होगी वरवदन की, मूर्ति सी सौम्यता की, वरदान देने वाले मुख की जो मुद्रा होगी, ऐसा बड़े खुश होंगे। देखो जब व्यक्ति नाराज होता है तो उसका वदन कैसा होता है, वदन माने जानते हैं, वदन का तात्पर्य यहां पर क्या है, मुख वदन जिसे बोला जाता है, वर वदन, ऐसा लगता है वरदान देने वाले ही हैं, ऐसी मुद्रा बनाए होंगे, वरदान देने की मुद्रा में होंगे, और वो ऐसी मूर्ति होगी जो सौम्य मूर्ति, सौम्यता की मूर्ति दिखाई पड़ेंगे। देखो वरदान देने का जो चेहरा मोहरा होता है, मुख होता है, बड़ा सौम्य हो जाता है, और साप देने का है, कभी कभी अनुभव किया होगा, मम्मी पापा नाराज हो तब कैसा चेहरा होता है, और खुश हो तो, कुछ मिलने वाला हो तो कैसा होता है, प्यार करने वाला चेहरा, तो वो सब बड़ी स्वाभाविक सी बात लिखी है हरिओम जी ने। आप बड़ी व्यवहारिक चीजें इसमें देख सकते हैं, अपने जीवन में भी वो सारी चीजें सीख सकते हैं, क्योंकि यहां पर सौम्यता की मूर्ति सी दिखाई है, सौम्य स्वभाव, लोगों बोल बड़े सौम्य स्वभाव वाले हैं, बड़े जेंटलमैन है, तो यहाँ सौम्य स्वभाव की जो बात कही है, जो कह बहुत जेंटल स्वभाव की बात जैसे कहते हैं ना, तो लोग वो उदाहरण देते हैं, तो सौम्य स्वभाव होता है तो लगता है कि ये हाँ, इससे कोई डर नहीं है, कोई काम बन जाएगा या कुछ अच्छा ही होगा, तो ऐसा ऐसी मुद्रा, ऐसी अवस्था में वो बने हो, मुद्रा यहाँ अवस्था की बात कही, मुद्रा दोस्तों, मुद्रा शब्द को पूछा जाता है कई बार परीक्षाओं में, बोर्ड की परीक्षाओं में, ये अनेकार्थी शब्द है, ऐसे अनेकार्थी शब्द इस पाठ में बहुत सारे आने वाले हैं, और कई बार इसी पाठ से अनेक शब्द जो है पूछे भी गए, जैसे जैसे आएंगे हम बताएंगे हम आपको। यहां एक शब्द है मुद्रा, तो मुद्रा माने रुपया पैसा जो भी है, और दूसरा अर्थ क्या हो गया, अवस्था, और एक और होता है मुद्रा माने अंगूठी, तो बड़ा इम्पॉर्टेंट है ये, बड़ा महत्वपूर्ण है शब्द, इसको जरूर नोट कर लीजिएगा, मुद्रा होगी वर वदन की, वर, अब यहां वर शब्द भी आया है, वर माने दूल्हा होता है, वर माने श्रेष्ठ होता है, वरदान होता है, अब इसके कई अर्थ हो सकते हैं, यहाँ श्रेष्ठ मुख, मुख बड़ा श्रेष्ठ, अब यहाँ पर वरदान, ये जैसे वरदान दे रहे, ऐसा वर वदन, यहाँ श्रेष्ठ मुख की बात जब कहेगी, सुंदर मुख की बात कही है, तो सुंदर मुख होगा, सुंदर मुख वाली मुद्रा होगी, और जैसे सौम्यता की मूर्ति हो, और सीधे सादे वचन, अब जब ऐसा होगा तो उनसी जो बातें निकलेंगी वो सीधी सादी निकलेंगी, मैंने पहले बताया कि क्रोध में आदमी होगा, अगर चेहरा बहुत वैसा होगा तो उसके मुंह से कोई बढ़िया बढ़िया शब्द निकलेंगे, हैं घर में पापा नाराज हो हैं खूब ज्यादा, तो उनके मुंह से बहुत बढ़िया बढ़िया शब्द निकलते हैं क्या, हैं तभी आए तेरी की ऐसी तेरी वो है, मतलब कुल मिला करके फिर सब हो जाता है, तो
सीधे सादे वचन नहीं निकलते हैं उनके मुंह से, लेकिन यहां वो मूर्ति सौम्यता की है, इसलिए उनके मुख से कैसे वचन निकल रहे हैं, तो सिक्त होंगे सुधा से, वो अमृत रस से, अमृत से सिक्त होंगे, अमृत से भीगे हुए होंगे, सींचे गए, सिक्त होने सींचना होता, तो अमृत से सींचे गए होंगे, ऐसे मुख से वचन निकल रहे होंगे ऐसा प्रतीत होगा। तो इस तरह से आप देखेंगे इसमें कुछ बातें आई हैं, जैसे जलद तन आया है, जलद तन, तो जलद तन की जब बात हम करते हैं तो कैसा तन है, तो बादलों के समान, उपमा अलंकार आया है, तो जलद तन वाले होंगे, है ना, जलद तन तो बादल के समान शरीर, और जहां पर आया है कि सौम्यता किसी मूर्ति होगी, वर आया है, मुद्रा आया है, ये ऐसे शब्द हैं जो आपकी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं, तो इस पर जरूर ध्यान रखिएगा, आप लिख लीजिएगा, शेष सभी जो आपको मैंने पहले बता रखा है उसी के समान इसमें काव्यगत सौंदर्य होगा, भाषा शैली रस छंद अलंकार गुण शब्द शक्ति सब वही, प्रसाद गुण है, अभिधा शक्ति है, सब वही मिलेगा आपको। अब इसके आगे देखते हैं, तो फिर वर्णन हो रहा है भगवान श्री कृष्ण का ही, का नीले फूले कमल दल सी गात की श्यामता है, नीले फूले कमल दल सी, नीले फूले कमल दल सी, तो अब कैसा कमल है, किस प्रकार के कमल दल की बात कर रहे हैं, कि नील कमल, नीला नीला कमल। अब नील कमल इसलिए कहा क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का जो शरीर है वो सांवला शरीर है, तो नीले फूले कमल दल सी गात की श्यामता, गात माने शरीर, गात माने शरीर, और इसलिए वो शरीर कैसा होगा, जैसे कोई ताजा ताजा नीला नीला कमल खिला हो, उसका दल हो, उसका पत्ता हो, उसकी पंखुड़ियां हो, तो जब कमल या कोई भी फूल होता है उसकी पंखुड़ी खिलती है तो कितनी कोमल सी होती है, तो कितनी सुंदर उपमाएं दी हैं इसमें, और कितनी कोमल कांत पदावली का प्रयोग किया है, आप खुद आप अनुभव कर सकते हैं कि बहुत सरल भाषा में और बहुत ही आसानी से समझ में आने वाले शब्दावली का प्रयोग किया है। तो देखिए लिखा, नीले फूले कमल दल सी, नीले नीले फूले हुए कमल के पत्ते के कमल के फूल के समान, कमल दल की समान, कमल दल यानी जो उसके हैं पत्तियां होती हैं, कमल की पत्तियों के समान उनके शरीर की का सांवलापन है, शरीर की श्यामता उसकी तरह दिखाई पड़ती है, कोमलता कितनी है, हैं तुलना कितनी सुंदर की है। और कहा कि उस सांवले सांवले शरीर के ऊपर पीला प्यारा वसन होगा। अब देखिए सांवला सांवला शरीर हो और सांवले सांवले चीज पे कोई उस पर कंट्रास्ट कलर देखे तो पीला पीला पीतांबर धारण करते हैं ना, तो पीला वसन और प्यारा सुंदर प्यारा लगने वाला पीतांबर होगा उनके शरीर पर पड़ा हुआ, और कटिमे पहनते हैं पवीला, और वो कहां कैसे पहनते हैं, वो यहां पर पूरे शरीर की बात है, कटिमे पहनते हैं। अब कैसा चित्र बता रहे हैं तो आप खुद इसमें से अर्थ समझ लीजिए कि वो वर्णन कर रहे हैं कि कमर में बांधते हैं, कमर में बांधते हैं कैसा प्यारा प्यारा पीला पीला पीतांबर वो कमर में बांधते हैं, और तो पहनते हैं फबीला, पहनना पहनते हैं फबीला, बड़ा सुंदर लगता है, फब जाता है, कहते बड़ा फब रहा है भाई, बड़ा सुंदर लग रहा है, इस तरह वो अपने कमर में बांधते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो स्वाभाविक वर्णन कर रहे हैं कि कह रहे हैं कि भाई
सुंदर सा वस्त्र जो पीतांबर पहनते हैं तो वो पीतांबर बड़ा सुंदर लग रहा होगा। वो कमर पर पीतांबर धारण करते हैं तो बहुत सुंदर लगता है, फबता है, बड़ा अच्छा लगता है, है? फबीला, सुंदर। और वर्णन क्या करते हैं कि छोटी काली अलक मुख की कांति को है बढ़ाती। तो अब वो इस रूप में होंगे तो भगवान श्री कृष्ण के बाल भी बड़े सुंदर सुंदर हैं, लेकिन एक जो उसमें से अलक निकली होगी, अलक माने लट है। और लट क्या होता है तो देखा होगा जो लोग बढ़िया बढ़िया बाल रखते हैं, खासतौर से जो महिलाओं के बाल होते हैं ना, तो वो या तो उनमें से कभी कभी, आजकल तो ब्यूटी पार्लर का जमाना है तो उसमें तरह तरह से बाल लोग कटिंग करवा लेते हैं, और कोई भी रखता है तो एक लट, एक उसमें से जुल्फ निकाल करके और अपने चेहरे पर लग। अब वो कोई ऐसा नहीं होता कि उसको कैसे कराया जाता है पता नहीं, लेकिन वो बार बार चेहरे पे आ जाती। ऐसे ही भगवान कृष्ण की भी एक काली काली जो लट है वो मुख के ऊपर आ जाती, मुख के ऊपर वो बाल जो है वो एक लंबा सा उसमें से यानी लट है, कई बाल मिल करके तो वो आगे आ जाती है, तो उससे चेहरे की कांति है वो और बढ़ जाती, यानी चेहरे की सुंदरता बढ़ जाती है। इसलिए अलक मुख की कांति को है बढ़ाती, तो छूटी हुई जो काली काली लट है वो मुख की कांति को बढ़ाती है, सुंदरता को बढ़ाती है। और आगे क्या लिखा है, सद्वस्त्रो में नवल तन की, सद्वस्त्रो में, यहाँ पर आधा दा छूट गया है, ये सद्वस्त्र है तो इसको जरा ठीक कर लीजिएगा कि ये सवस्त्र लिखा है, सद्वस्त्र होगा। सद्वस्त्रो में नवल, सद सद माने बड़े अच्छे 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 कपड़े, नवल तन की फूटती सी प्रभा है, सुंदर वस्त्र धारण किए हैं और उस सौम्य शरीर से क्या फूट रही है, प्रकाश फूटा पड़ रहा है, सुंदर सुंदर शरीर से प्रभा सी फूट पड़ रही है। प्रभा कहते हैं प्रातः काल के प्रकाश को, ध्यान दीजिए प्रभा, प्रभा शब्द का जो अर्थ होता है वो जब सुबह सुबह सूर्य निकलता है, जिसको हम प्रभात कहते हैं, वो प्रभात होता है जब सुबह सुबह का सूर्य निकलता है उसी को प्रभा कहा जाता है, लेकिन रात में चंद्रमा जब निकलता है उसकी चांदनी रात होती है, इसको विभा कहा जाता है। प्रभा और विभा दो शब्द हैं, तो है तो प्रकाश दोनों, लेकिन एक सूर्य का प्रकाश है एक चंद्रमा का प्रकाश है। इस तरह उनके सुंदर नवल तन से, सुंदर शरीर से और प्रकाश, सुबह सुबह का प्रकाश, प्रातःकालीन प्रकाश फूटा पड़ रहा होगा। इस तरह से दोस्तों आपको आज मैंने ये प्रिय प्रवास से लिए गए पवन दूतिका शीर्षक के माध्यम से मैंने आपको ये कुछ छंद आपके समक्ष प्रस्तुत किए हैं। उम्मीद है आपको जरूर समझ में आए होंगे। यहाँ पर भी इस अंतिम पद छंद में कमल दर्शी गात की श्यामता है, तुलना की है, कैसा है, कमल के दल के समान, कमल के पंखुड़ियों के समान, उनके जो शरीर की श्यामता है उसकी तुलना की गई है। और ऐसे ही जहाँ पर सी शब्द आता है तो प्रायः वहाँ तुलना हम कर ही लेते हैं, उसके समानता दिखाई जाती है। से सब जगह वही काव्यगत सौंदर्य के अंतर्गत आप अपने परीक्षाओं में लिख सकते हैं। खड़ी बोली है, शैली जो है यहाँ प्रबंध शैली प्रयोग की गई है, भाषा की दृष्टि से खड़ी बोली तो है ही, और शब्द शक्ति यहाँ पर अभिधा है, प्रसाद गुण है, छंद मंदाक्रांता है जैसा कि आप जानते हैं, अलंकार को मैंने बताया है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज शीघ्र ही सब्सक्राइब करें, जिससे आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें, और इसके आगे का छंद हम शीघ्र ही आपके समक्ष लेकर के आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।